हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ये गलाडिया प्लांट के बारे में बात करूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स इसके होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। मेरे पास ये सिंगल पेटल का प्लांट है और इसमें ये डबल पेटल भी आता है। ये देखिए इसके फ्लावर्स, इसमें एक रेड कलर भी आता है। मेरे पास ये बीच में रेड और साइड से येलो, ऐसे इसके लीव्स हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये देखिए, ये मेरे बड़े पॉट में लगा हुआ है। इसमें एक रोज प्लांट भी है और एक सनफ्लावर भी इसी के साथ। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार आप इसको लगा लीजिए, सारा साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। विंटर में भी और समर रेनी सीजन पूरा साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। एक बार आप इसको लगा लीजिए। तो मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया था। लास्ट ईयर मैं इसके सीड लेके आई थी। उसके बाद मेरे पास इसके काफ़ी प्लांट हो गए हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ भी ये सीड से येलो कलर इसमें मैंने ग्रो किया है सीड से। अब इनको मैं अलग अलग लगा दूंगी। तो अपने आप भी इसके सीड इधर उधर गिर के मेरे पास इसके कई प्लांट हो गए हैं। तो ये देखिए, पहले इसके ये फ्लावर आते हैं, उसके बाद ये इसकी बीज बनते हैं ये, और उसके बाद जब ये और भी सूख जाता है तो ऐसे ऐसे इसके ये बीज बनते हैं। ये रे देखिए, तो आप इनको कलेक्ट कर लें और न्यू प्लांट आप इसके बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसके सीड हैं। तो मेरे तो ये अपने आप ही इधर उधर गिर जाते हैं, तो अपने आप ही प्लांट निकल आते हैं। वैसे इस प्लांट को आप एक बार लगा लीजिए, चलता रहता है। हाँ, प्लांट थोड़ा पुराना हो जाए तो आप और न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और लगा सकते हैं, पुराने प्लांट को हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप जमीन में लगाओ या पॉट में लगाओ, पॉट में लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो वन पार्ट सैंड और वन पार्ट कंपोस्ट और वन पार्ट गार्डन सॉइल, ऐसे इसकी मिट्टी बेलड्रेन बिल्कुल तैयार करें। तो उसमें ये आराम से चलता रहता है। फुल सनलाइट आप इसको दीजिए, फुल सनलाइट में रहने वाला ये प्लांट है। और इसकी हाइट करीब 2 या 2.5 फीट तक तो हो जाती है। मैंने देखो, इसको सहारा देने के लिए स्टिक लगाइए, नहीं तो ये नीचे तक फैल गया है पूरा प्लांट। इसकी वजह से इसमें रोज में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो और वाटरिंग इसको आप डेली ही करें समर में, तो और विंटर में आप इसको देख लें, चेक कर लें इसकी मिट्टी। तो फुल सनलाइट में आप इसको रखें, तब आपके गार्डन में अच्छे से इसमें फ्लावर आएंगे। और जैसे मैं तो हर 15-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र बाकी प्लांट को देती हूँ, तो इसको भी दे देती हूँ। और काउडंग का आप इसको महीने 2 महीने 3 महीने में भी दे सकते हैं। दो मुट्ठी आप इसको काउडंग दे दीजिए। मैं तो उसी का इस्तेमाल अपने गार्डन में ज़्यादा करती हूँ। तो और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं भी दोगे तो भी आसानी से चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, बीच बीच में इस पर नीम ऑयल की स्प्रे भी करते रहें, क्योंकि इस पर मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसकी स्टेम में मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल की स्प्रे करते रहें। और कटिंग से भी इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप इसको कटिंग से भी लगा लीजिए कहीं, और सीड से भी लगाना बहुत आसान है। कटिंग और सीड दोनों से ये ईजिली ग्रो हो जाता है। तो मेरे तो ये प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं, और भी दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ निकल आए हैं। ये देखिए, एक इसमें भी ये अपने आप निकल आया है, अपने आप ही ये ग्रो हुआ है, मैंने इसको नहीं लगाया। बहुत प्लांट तो मैं इधर उधर दे देती हूँ अपने पड़ोस में। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और बहुत ही आसानी से ये चलता रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।